यहाँ पे पहले भी और एक बार आए थे, बट इतना नीचे तक नहीं आए कभी भी, ये पानी के पास तक नहीं आए थे। बहुत ही अच्छी जगह है और ये डैम बहुत ही बड़ा है, बहुत बड़ा डैम है। आपके जैसे दिख रहा है पानी, जैसे पुलिस सर्दी चोर है और पुलिस उसके पीछे भाग रहा है, चोर आगे भाग रहा है। है एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड गुड इवनिंग। आज है 11th ऑफ सितंबर और मैं अभी थोड़ा रेडी हो गई हूँ। हम जा रहे हैं कहीं बाहर। एक्चुअली ये प्रोग्राम हमारा एनिवर्सरी का था। एनिवर्सरी के दिन हम लोगों ने ये प्रोग्राम किया था कि शाम को हम जाएंगे देवली डैम, यहाँ पे पास में ही है देवली डैम। लेकिन उस दिन तो एक तो बारिश हुआ शाम को और इसीलिए लेट भी हो गया, घर से निकलते निकलते हम नहीं गए। लेकिन आज थोड़ा टाइम मिला है, आज हम जा रहे हैं। मेरा ड्रेस ये है, जीन्स विथ टी शर्ट, एंड आदि का ये है ब्लैक एंड हाफ पैंट, मेरे हस्बैंड का ये है, देखो हम दोनों का सेम सेम। और ये एक्चुअली हम लोगों ने हमारे एनिवर्सरी के दिन ही प्लान किया था कि हम दोनों साथ साथ ही सेम सेम टाइप का कपड़ा पहनेंगे, लेकिन उस दिन नहीं हो पाया, लेकिन आज हो रहा है, तो चलिए चलते हैं। हम पहुंच गए हैं देवली डैम, लेकिन हमें आने में थोड़ा लेट हो गया। हमें और थोड़ा जल्दी आना चाहिए था क्योंकि अभी तो 15-20 मिनट में ही शाम हो जाएगा। देखते हैं क्या होता है, नहीं तो फिर से हम आएंगे, क्योंकि आज मैंने सोचा था कि थोड़ा फ़ोटो वगैरह शूट करेंगे और फेसबुक इंस्टाग्राम पे डालेंगे, बट लगता है कि आज नहीं हो पाएगा क्योंकि अभी तो अंधेरा होना स्टार्ट हो गया है। थोड़ी ही देर में, मतलब 15-20 मिनट में पूरा अंधेरा हो जाएगा। आदि अभी गिरते गिरते बच गया क्योंकि वहाँ बीच में थोड़ा रेड कलर का वो पेबल्स जैसा गिरा हुआ था, तो वहाँ पे आदि का पैर फिसल गया, लेकिन मैंने उसको पकड़ लिया, थैंक गॉड, नहीं तो वो गिर जाता। और ये देखने में डरावना लग रहा है और नीचे जाने के टाइम पे थोड़ा सा रिस्की है, ऊपर आने के टाइम पे तो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। और आप देख पा रहे हो ना कितना बड़ा डैम है, बहुत ही बड़ा डैम है ये। लोग ना यहाँ पे क्या करते हैं, घर से खाना बना के ले आते हैं, यहाँ पे बैठते हैं, व्यू एंजॉय करते हैं, खाना खाते हैं और चले जाते हैं घर, छोटा पिकनिक जैसा उनका हो जाता है। तो हम लोगों ने भी सोचा था कि ऐसा ही करेंगे, लेकिन आज तो नहीं हो पाया, लेकिन फिर कभी हम अपने फ्रेंड्स के साथ आएंगे तो वैसा ज़रूर करेंगे, घर से कुछ खाना ले आएंगे बना के और इधर बैठ के आराम से खाएंगे और इन्जॉय करेंगे। तो ये है देवली डैम और ये है आदि के पापा। आदि क्या कर रहे हो? बस डैम देख रहा। गधे बजे रुको एक मिनट, मैं पीछे की तरफ दिखा देती हूँ आपको डैम कितनी बड़ी है। कब है दिखाई नहीं दे रहा ये? कब है जीबा? शुक्रवार दिन जीबा। यहाँ पे पहले भी और एक बार आए थे, बट इतना नीचे तक नहीं आए कभी भी, ये पानी के पास तक नहीं आए थे, ये पहली बार आए हैं। बहुत ही अच्छी जगह है और ये डैम बहुत ही बड़ा है, बहुत बड़ा डैम है। आदि आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? कहाँ गए आप? आराम करने के बाद और थोड़ा वहाँ पास जाएंगे। पास जाओगे, लेकिन आप शाम हो गया है ना, और थोड़ा जल्दी आते तो अच्छा होता, लेकिन अभी थोड़ा शाम हो गया तो और ज़्यादा पानी के नीचे तक जाने में डर लग रहा है। और फिर कभी आएंगे, थोड़ा दिन में आएंगे। मामा, ऊपर 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 आ जाओ, ऊपर आ जाओ। वो क्या है? पता नहीं क्या है, दूसरे पत्थर के ऊपर बैठो, यहाँ पे बैठो, यहाँ। अभी पूरा अंधेरा हो गया तो हम अभी जा रहे हैं वापस घर, लेकिन और किसी दिन आएंगे, थोड़ा जल्दी आएंगे क्योंकि आज तो जल्दी ही शाम हो गया और हमें जाना पड़ रहा है, ज़्यादा टाइम भी रुके नहीं यहाँ पे। फिर कभी आएंगे, खाना बना के साथ मिलाएंगे, यहाँ पे खाएंगे, घूमेंगे, देन वापस जाएंगे।
सामने वो लड़की रेनकोट पहन के जा रही है। देखो अभी तो बारिश नहीं हो रहा है, गर्मी लग रहा है, फिर भी रेनकोट पहनी है। और अभी मार्केट देख के लग ही नहीं रहा कि यहाँ पे कोरोना है। ये देखो फास्ट फूड का दुकान, यहाँ पे सबसे ज़्यादा भीड़ है, और जो पानी पूरी का ठेला लगा होता है ना, वहाँ पे सबसे ज़्यादा भीड़। अब हम वापस आ गए, लेकिन मैंने जैसा सोचा था वैसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। और थोड़ा जल्दी जाते तो अच्छा होता, क्योंकि वहाँ पहुँचने के बाद 10-15 मिनट या 20 मिनट के बाद तो अंधेरा हो गया कि मेरा आज बहुत मन था कि मैं वहाँ पे फोटोशूट कर लूँ, मेरा मतलब 5-6 अच्छे फोटो खींच लूँ इंस्टाग्राम एंड फेसबुक के लिए, लेकिन वो नहीं हो पाया। और ये हम दोनों का मैचिंग टी शर्ट है, ये मैंने प्लान किया था हमारे एनिवर्सरी के दिन हम ये मैचिंग टी शर्ट पहनेंगे और वही देवड़ी डैम जाएंगे, वहाँ पे थोड़ा फोटोशूट करेंगे। और मेरे साथ ये अक्सर होता है कि मैं जो प्लान करती हूँ वो कभी भी एग्जीक्यूट नहीं कर पाती, उसका उल्टा हो जाता है, थोड़ा बहुत होता है बाकी का नहीं हो पाता है, ऐसा कुछ हो जाता है मेरे साथ ट्रेजेडी। आप लोगों के साथ ऐसा होता है क्या, मुझे बताना तो कमेंट में। तो अभी मैं जा रही हूँ थोड़ा सा ब्लैक टी बनाने, और मेरा ब्लैक टी इक्वल टू काढ़ा है, मतलब मेरा ब्लैक टी काढ़ा जैसा ही है। मैं काढ़े में जो है जो जो चीज़ यूज़ करते हैं मैं ब्लैक टी में वही सब डालती हूँ। और आज रात को डिनर में हम वो खाएंगे जो कि बारीपदा का बहुत ही ज़्यादा फेमस है, ऑथेंटिक फूड है बारीपदा का, वो आपको बाद में पता चल जाएगा डिनर के टाइम पे। तो अभी मैं जा रही हूँ काढ़ा बनाने। क्या है ये आदि? ये मेरा बेस्ट आते हैं। बेस्ट आते हैं। और आदि ने अपने आप को मतलब अपने खुद के हाथ को अवार्ड दे दिया। देखो एक्सेल का अवार्ड। ठीक है ठीक है। आज दिन भर बहुत हेवी खाना हो गया, दिन भर मतलब लंच में भी थोड़ा हेवी खाना हो गया और रात को भी हेवी खाना हो गया। अब अरे तो बात भी नहीं किया जा रहा। आपने देखा बेस्ट फूड कॉम्बो यही है, मांसो एंड मूढ़ी, मतलब यहाँ पे बोलते हैं मांसो मुढ़ी, और वो था देसी चिकन एंड पफ्ड राइस। ओडिशा के बहुत से जगह पे ये बनाते हैं, मतलब ये बारीपदा का फेमस है लेकिन ओडिशा के बहुत जगह पे ये मिलता है मांसो मुढ़ी। और ऐसा बोलते हैं कि जो देसी चिकन है ना, अगर आपको सर्दी हुआ होगा तो देसी चिकन का जो ग्रेवी है आप थोड़ा गरम गरम पी लेना, आपका सर्दी कहाँ भाग जाएगा। भाग जाएगा मतलब ठीक हो जाएगा। जैसे पुलिस होगा, सर्दी चोर है और पुलिस उसके पीछे भाग रहा है, चोर आगे भाग रहा है। और ये देखो मेरा चिपकू बेटा, मैं जहाँ जहाँ मेरा बेटा वहाँ वहाँ चिपक जाता है आके। वैसे आज मजा आ गया। हाँ आज स्पाइडरमैन 3 देखने में मजा आ गया। कल टीवी में एडवर्टाइज दे रहा था स्पाइडरमैन 3 देगा आज रात को 8 बजे स्टार गोल्ड पे, और आदि तब से मतलब कल से, आज जो देवली डैम भी गए थे ना, वो बार बार वही बात पूछ रहा है कि मम्मी 8 बज गया क्या, मम्मी जल्दी चलो, मम्मी मेरा फिल्म स्टार्ट हो जाएगा। मैंने कहा पढ़ाई के बारे में तो इतना कभी नहीं बोलते कि मम्मी मेरा पढ़ाई खत्म नहीं हुआ, मुझे अभी पढ़ाई करना है। टीवी के बारे में बहुत ज़्यादा आपको पता है ना, ये जो कोरोना की वजह से अब जो बच्चे घर में रह जा रहे हैं ना, तो इसी वजह से ये हो रहा है, टीवी और मोबाइल में आदि को देती नहीं हूँ। तो ये अच्छा बच्चा है और बात भी मानता है, मोबाइल नहीं देखता है, सिर्फ टीवी देखता है, टीवी में कार्टून देखता है ना। ओके तो ये था मेरा आज का ब्लॉग, आई होप आपको पसंद आया होगा। देवली डैम के बारे में आपको कैसा लगा मेरा वीडियो आप ज़रूर मुझे कमेंट में बताना, एंड बारीपदा का फेमस मांसो मुढ़ी आपको कैसा लगा वो भी आप मुझे जरूर कमेंट करके बताना। तो मिलती हूँ मैं आपको मेरा नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय एंड गुड नाइट। बाय बाय।